हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज आर्य और मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राप्त होती हैं सभी चीज़ें हिंदी में और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आपके कमेंट का जवाब दिया जाता है मैक्सिमम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए का मतलब ये है कि यदि हम ये काम करेंगे तो हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान उठाने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हम झेल नहीं पाते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं। सब्सक्राइब होने के बाद वो रेड कलर जो है वाइट कलर में बदल जाएगा, सब्सक्राइब्ड लिखा जाएगा, उसके आगे ईडी लग जाएगा और दोस्तों 2 सेकंड बाद उसके साइड में एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी पे क्लिक करिए। घंटी पे क्लिक करने से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो उसकी सूचना आपको पहुँच जाएगी। यदि आपके पास समय नहीं है, कभी भी उसे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि दुनिया में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ये चीज़ अभी रहस्य बनी हुई है। लोग सोचते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं मगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ें हैं। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कभी भी ये चीज़ें 3 बार ना बोलें। 2 बार बोलें, 1 बार बोलें, 4 बार बोलें, 5 बार बोलें, 3 बार नहीं बोलें। दोस्तों, 3 बार बोलने से क्या होता है, जो हमारी ज़बान होती है, हमारी जो बोलने की ज़बान होती है, उस पे कभी ना कभी क्या होती है, सरस्वती बैठ जाती है। मतलब तो सरस्वती जी जो है बैठ जाती हैं, जो ज्ञान की देवी मानी गई हैं, और वो जब 3 बार कोई चीज़ कहते हैं तो वो डेफिनेटली हमेशा वो जबान बैठी हुई होती हैं। देखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ 3 बार ना कहें। 3 बार कहने का मतलब ये है कि वो खोटा माना जाता है। कोई भी चीज़ आपने 3 बार कही, यदि आपने 3 रोटी खाई है वो भी गलत है। खाना भी आप 3 बार की जगह 2 ही बार खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी लाइफ में अनेक तरह के चेंज होंगे। दोस्तों, दूसरा काम, जब भी आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई कब्रिस्तान या मरघट, शमशान घाट जहाँ पे मुर्दों को दबाया जाता है या जलाया जाता है, जहाँ उनका दंश संस्कार किया जाता है, कभी भी आप अपनी बाइक या कार को दौड़ाए नहीं। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकालें। दोस्तों, ये चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं क्योंकि उनके आसपास कुछ आत्माओं का वास होता है और वो आत्माएं जो हैं दोस्तों साथ लग जाती हैं, और जब साथ लग जाती हैं दोस्तों वो घर तक आती हैं, और जब घर तक आ गई, उनने आपका घर देख लिया तो अंदर जाओगे, वो बच्चों को भी लग सकती है और वो घर में निवास भी कर सकती है क्योंकि वो आपसे चिढ़ जाती है। कभी भी जाओ धीरे से चलाओ, तेज ना चलाओ। अक्सर देखा होगा हाईवेज पर, चौराहों पर जब भी कोई तेज गाड़ी चलाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों एक्सीडेंट तो होता ही है, मगर उनके पीछे इन प्रेत आत्माओं का जो है असर रहता है। प्रेत आत्माएं जो हैं हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही, मगर मैं दावा कर सकता हूँ 8 से 10 प्रेत आत्माएं मेरे आसपास भी होंगी, ये हमें नहीं दिखाई देती हैं। दोस्तों, आप इन चीज़ों को विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि
जिस पे बीतती है ना वही जानता है। जब हमारे पास ये दिक्कत हो जाती है तो हम ओझा तावीज वाले तांत्रिक वगैरह जो है मौलवी वालों के पास वो घूमते हैं, क्योंकि हमें आराम चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये काम बिल्कुल ना करें। जब भी आप रास्ते में कोई टोटका कर रहे हैं, कोई पूजा करके आ रहे हैं, कब्रिस्तान से लौट रहे हैं, रास्ते में रात में चल रहे हैं, तो पीछे मुड़ के कभी ना देखें। पीछे मुड़ के देखने से क्या होता है, यदि हमें कुछ चीज़ दिखाई दे देती हैं तो साइंटिफिक रीज़न है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सपोज करो कुछ ऐसी चीज़, पेड़ है, वाइट कलर कुछ दिख रही है, हमने पीछे घूमा तो हमें ऐसे दिखा कि कौन है ये, तो हमारी जो है वॉल जो है हार्ट की बंद हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस तरह के फालतू के कामों से बचें। नंबर तीन दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि क्या करें क्या ना करें, तो इसमें जो है मैं एक चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों, इसमें जो है ऐसे अनेक तथ्य हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, रात को नहीं जाना चाहिए। कभी भी आप रात को बिना पूछे किसी से भी ना जाएं, यदि जा रहे हैं तो उसे बता के जाएं किसी घर में। और कभी भी आप एकांत में, कभी भी, जैसे शहरों में अक्सर होता है कि सब अपने अपने कमरे में सोते हैं, दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने के लिए। वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो दरवाज़ा बंद है, कुछ नहीं पता होता है। तो कोशिश करें कि अलग अलग कमरे में ना सोएं। कुछ कामों के लिए मजबूरी होती है, वो बात अलग है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी ऐसी जगह पर जहां पर कहा जाता है कि यहाँ प्रेतात्मा रहती है, वहां पर कभी भी आप नेता ना बने। यदि आप वहां को निकल रहे हैं तो तमीज से, तरीके से, डिसिप्लिन से चुपचाप निकल जाइए। यदि आपको कोई भी डर लग रहा है, कोई दिक्कत हो, आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम भूर्भुवस्वः, वो सॉरी ये गायत्री मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्। यदि फिर भी आपको थोड़ी घबराहट होती है तो आप कह सकते हैं ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। जी दोस्तों, ये तो हुई इसकी बात। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसे करने से क्या होता है, क्या होता है, दोस्तों कुछ नहीं होता है, यूजलेस बात है, मगर ये लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी इन बातों को माने। यदि आप कहीं चौराहे पर रात को ऐसी जगह कब्रिस्तान या आप शमशान में जा रहे हैं, कभी भी कोई सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, खीर और मीठी चीज़, खुशबूदार चीज़ खा के ना जाएं। साथ में कोई सेंट, कोई परफ्यूम और इत्र तो भूल के ना लगाएं। केमिकल वाले सेंट, डियो वगैरह लगा लें, मगर ये इत्र होते हैं, फूलों का अर्क होता है, रस होता है, वो रूह ना लगाएं। उसे लगाएंगी तो आपकी दिक्कत आ सकती है, आपको तांत्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको भूत भूत बाधा की दिक्कत आ सकती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आपको कुछ भी दिक्कत होती है, इस तरह की झपटा वगैरह हो जाता है, तो आप अपनी जेब में 2 लहसुन की कलियां अपनी जेब में रख सकते हैं और फिर बेधड़क आप जा सकते हैं। फिर भी हमें इस चीज़ से बचना है। दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक ऐसा तथ्य लेकर आऊँगा जिसमें एक प्रेतात्मा के सामने मेरा सामना हुआ, उस सामने में जो उसके साथ जो इंटरव्यू हुआ
उस इंटरव्यू की ताज़ा एवं सत्य घटना से लेकर बिल्कुल मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को परमानेंट सब्सक्राइब करें, जिससे बेल आइकन से हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपका धन्यवाद जो आपने वीडियो देखी।